अवेंजर्स एंड गेम मूवी की ये डिटेल बहुत ही ज्यादा डीप और इमोशनल है, जिसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्क्रीन पे दिखाया गया है। देखो, जब भी किसी व्यक्ति का कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है तो वो दुख की 5 स्टेजेस से गुजरता है, जिन्हें 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ कहा जाता है। तो इस मूवी में जब अवेंजर्स को ये पता चलता है कि नताशा मर चुकी है, तब बचे हुए 5 ओरिजिनल अवेंजर्स इन्हीं 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहली स्टेज होती है डिनायल, यानी कि जो भी हुआ है उसे एक्सेप्ट ना करना, और ये चीज थॉर के जरिए रिप्रेजेंट की गई है, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है कि नताशा सच में मर चुकी है। फिर उसके बाद अगली स्टेज होती है एंगर, जिसे हल्क के जरिए रिप्रेजेंट किया गया है। फिर उसके बाद तीसरी स्टेज होती है बार्गेनिंग, जिसे हॉकाई के जरिए रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि वो कहता है कि नताशा की जगह उसे मरना चाहिए था। फिर उसके बाद चौथी स्टेज होती है डिप्रेशन, जिसे कैप्टन अमेरिका के जरिए रिप्रेजेंट किया गया। और फाइनली पांचवी स्टेज होती है एक्सेप्टेंस, यानी कि जो भी हुआ है उसे स्वीकार कर लेना और आगे बढ़ जाना, और इस स्टेज को टोनी स्टार्क के जरिए रिप्रेजेंट किया गया। और भाई लोग, मैं इसीलिए कहता हूं कि एंड गेम एक बहुत ही स्पेशल मूवी है।